प्रेम नहीं करना मर्डर करने से भी बड़ा पाप है, प्रेम नहीं करना चोरी करने से भी बड़ा पाप है, प्रेम नहीं करना व्यभिचार से भी ज्यादा बड़ा पाप है, प्रेम नहीं करना झूठ बोलने से भी बड़ा पाप है। सारी पापों से बढ़ के जो पाप है हमको दिखाई नहीं देता, हम समझते नहीं है, वो है प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करना, जो है ये पाप है। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार, जय मसीह की, यीशु सहाय। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को पेश करने वाला हूँ जिसके गीतों ने तहलका मचाया है फीबा में और विश्ववाणी में और जितने भी रेडियो प्रोग्राम थे सभी में प्राय उदित के गाने थे, और उसमें भी प्रभा के गाने जो हैं, मैंने बहुत सारे गाने आपको अभी तक सुनाए हैं और बहुत से गाने हैं जो सुनाऊंगा, इनके गानों का कोई अंत नहीं है, गानों का खदान है। उदित को मैंने कहा कि भाई अब आपको आना है हमारे प्रोग्राम में, हमारे इस कलीसिया के प्रोग्राम में आपको आना है, और उन्होंने साहस स्वीकार किया। मैं बहुत बहुत धन्यवादित हूँ उदित भाई के लिए, और आइए उदित इसको शुरू करेंगे और अपने पसंद का गाना, वो बोले कि एक ही मुखड़ा थोड़ा सा गा के मैं दूंगा, फिर बाद में आप प्रभा दीदी का गाना बजा देना उसी को। तो मैं बोला ठीक है आप शुरू तो करो, और आइए हम सुनते हैं उदित। आप सबको जय मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के नाम में युवा दर्पण में आपका स्वागत है। मेरी तथा मेरे परिवार की ओर से आपको मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। 1980 और 82 के बीच जब मैं रांची में मसीह आवाज का संपादक था, एक दिन सुबह सुबह विश्ववाणी के कार्यक्रम में मैंने एक गीत सुना, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योत के, ये प्रभा तिमोथी गा रही थी, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा ये गीत रेडियो कार्यक्रम में कैसे बज रहा है। बाद में पता चला कि मेरे दो बड़े भाई रेवरेंट वनकेश कुमार और डॉक्टर पी देवदास युवा दर्पण टीम के साथ एक कार्यक्रम विश्ववाणी में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं कि आज इतिहास दोहराया जा रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि युवा दर्पण और मेरे गाने फिर से एक बहुत बड़े मंच पे आएंगे और लोग इसके द्वारा आशीष पाएंगे। इसके लिए मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर पी देवदास का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना में उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया, और फिर से जो पुराने इस कार्यक्रम के सहयोगी थे, गीतकार थे, गायक थे, उन सबों को एक साथ इस मंच पे फिर से लाया है, और आप उनको देख रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनके गीतों को भी सुन रहे हैं। ये सौभाग्य और ये आशीष उन्होंने मुझे भी दी कि मेरे लिखे कई गाने जो प्रभा तिमोथी ने गाए हैं या अन्य सिंगर्स ने गाए हैं वो सब फिर से सुन सके। उन्होंने कहा कि कोई आपका प्रिय गीत अब इस कार्यक्रम में बजाना चाहोगे तो आप उस गीत के बारे कुछ बताएं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, हर एक टूटा दिल परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य बलिदान है। ये पद मुझे जीवन के जवानी के दिनों में बहुत पसंद था, और मैं वैसे हृदय के टूटने वाले अनुभव से बहुत गुजरता रहता था। मेरे अपने लोगों को कई बार मैंने मुझे ही खुद धोखा देते या चोट पहुंचाते पाया, तो मेरे कई गाने टूटा दिल इस विषय से जुड़े हुए हैं। इस विषय के ऊपर प्रभा तिमोथी ने भी एक गाना गाया। प्रभा तिमोथी मेरे बड़े बहन के समान थी और उनको मैं प्यार से मम्मी बोलता था, और जिस तरीके से उन्होंने मेरे गानों के साथ न्याय किया, जिस तरीके से उन्होंने मेरे गीतों को गा दिया, आज उसको कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, न उन भावनाओं को पैदा कर सकता है। फिर भी एक स्वागत का एक अपॉर्चुनिटी आपको मैं देना चाहता हूं। अगर आप सिंगर हैं और अगर आप इन गानों को गाना चाहते हैं, तो इन दिनों में हम लोग म्यूजिक ट्रैक तैयार कर रहे हैं। यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे फोन नंबर पे
कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 7905167975। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो इस गीत के लिए जिसकी दो लाइनें मैं गाने जा रहा हूं। उसके बाद मैं डॉक्टर पी देवदत्त से आग्रह करूंगा कि वो इस गीत को इस कार्यक्रम में बजाएं। इस गीत के बोले हैं, रोता कभी दिल अपना ही से चोट खाके टूटा हुआ, तभी तसल्ली देने कोई आ जाता है। रोता कभी दिल अपनों से ही चोट खाकर टूटा हुआ, तभी तसल्ली देने कोई पास आ जाता है। ये सच बात है दोस्तों, आपकी भी जिंदगी में होता होगा कि जब आपको अपनों से चोट लगती है तो उस समय कोई आपके पास नहीं आता, केवल प्रभु यीशु मसीह आपके पास आता है और तसल्ली देता है और कहता है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। थैंक यू सो मच उदित, आपने गाना सुनाया। मैं जानता हूँ आप गाते हैं और हमारे कई प्रोग्राम्स में स्टेज पे आपने गाया है, वो भी मैं जानता हूँ। खैर जो भी है, अभी आपके गाना सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और उसी गाने के दूसरे अंतरे को हम बाद में सुनेंगे। मैं आज, खैर हर बार यही बोलता हूँ, विशेष रूप से बात करूँगा और सच में मेरा इरादा यही रहता है कि मैं कुछ विशेष रूप से आपके सामने अपने भावनाओं को और अपने दर्द को पेश कर सकूं। मैं बहुत सोचता था कि क्या बोलूं, तो मेरे को अचानक लगा कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में तूने कभी नहीं बोला। और
मेरी वाइफ जो है हरदम बोलती थी कि कहीं भी जाओगे तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जरूर बताना, ये उसका डायलॉग रहता था हर बार। तो मुझे वो ही याद आई और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का वर्णन करूं। मैं बहुत परेशान भी रहता था कई बार, अकेले जब नींद नहीं आती सोचते रहो या अपना क्वाइट टाइम में कोई मैसेज तैयार कर रहे हैं या ऐसे टाइम में ऐसा लगता था क्या मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, रियली आई लव हिम आर नॉट, एक डाउट मेरे अंदर में आ जाता था। बस उसे कैसे कैसे क्या बात होता है, और ये डाउट ऐसा मतलब मैं प्रभु मैं तेरे लिए करता हूँ, फिर जाता हूँ तेरे प्रचार पे जाता हूँ, मैं अपनी छुट्टियाँ नहीं लेता हूँ, तबीयत खराब होती है तो भी मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, इसलिए कि मेरे को सेवकाई के लिए छुट्टियों को बचा के रखना है। और जब भी मैं घर से बाहर गया हूँ मेरे कोई ना कोई बच्चा जरूर बीमार पड़ा है, और मेरी मिसेस परेशान थी लेकिन कभी भी उसने, उसकी अच्छाई में आपको बता रहा हूँ, कभी भी उसने कोई शिकायत नहीं की। एक दिन तो मैं रात को लौटा मीटिंग से तो और ये दरवाज़ा खटखटाया, वो पुराना खंडहर टाइप का मकान था राजा के किले का, और वहाँ पर से एक बड़ी दो सीढ़ी उतरो तो 3-4 फीट नीचे आ जाते हैं, तो बजाय तो आई और रात को दरवाज़ा खोली, इधर 5-10 कदम चल के आना पड़ता है, दरवाज़ा खोली, खोलने के बाद फट से गिर गई। मैं छू के देखा हाई फीवर, मैंने उसको उठा के घर के अंदर ले गया, बाद में सूटकेस ले गया, लेकिन शी नेवर सेड कि तू मत जा। आज आखिर दम तक मैंने कभी नहीं सुना उसके मुंह से कि प्रचार करने तुम नहीं जाओगे। कोई भी ईस्टर कोई भी गुड फ्राइडे में मैं घर में रहता ही नहीं था, हरदम बाहर रहता था। मेरे बच्चों का जो अर्पण वगैरह नाम कर वगैरह नाम वगैरह कर कराना वगैरह होता था वो ईस्टर के दिन होता है, अकेले लेके जाके बच्चों खड़े होकर ही, कई शायद कोई कमेंट भी कर रहा था कि क्या ये वीडियो है, क्या इसका पति नहीं है क्या, तो बोले नहीं नहीं वो प्रचार करते हैं, प्रचार में गए हुए हैं। मैं ये सब करता हूँ तो फिर लगता है मेरे को क्या ये दिखावा करता है क्या, तू क्यों करता है, तेरे को मजा आता है क्या, लोग अच्छा बोलते हैं तेरे को अच्छा लगता है क्या। फिर मैं सोचता हूँ नहीं खुदा पर बाप तू मेरे को जानता है, ऐसा नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं कर मतलब आई यूज टू स्ट्रगल विद इन माई सेल्फ, मैं किसी को नहीं बता सकता था ये वाली दर्द मेरा, कैसे करूँ क्या करूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि क्या मैं अपना कोई सेल्फिशनेस है मेरा इसमें नहीं, तो फिर क्या है, क्यों मुझे ऐसा लगता है, प्रभु मुझे तू बता। और मैं कहाँ सागर सागर दुनिया पर खोजता रहा सब तरफ, जाके मेरे दरवाजे पे मेरे को उसका आंसर मिला, एंड इट हिट मी। और वो कहता है पहला योहन्ना और उसका 4th अध्याय और उसका 12-18-19 वचन ये निकाल के रखा हूँ, पढ़ता हूँ देखिए। प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। मैं भय करता हूँ क्या, नहीं भय नहीं है, आई एंजॉय दैट। क्यों एंजॉय करता हूँ, क्योंकि प्रभु तेरा नाम होता है। मैं बताऊँ अभी हाल में पिछले 2 साल के अंदर मैं 101 फीवर में भी मैंने पूरा मीटिंग कंडक्ट किया है और सर्विस लिया है, गुड फ्राइडे का किया है। मैं पैरासीटामोल खाता था, कुछ भी खाता था, बुखार कम हो जाके बोल के, फिर यहाँ तक कि खाना खाने का भी दिल नहीं लगता था, लेकिन मैंने किया। क्यों किया, क्या मैं ये दिखावा कर रहा हूँ क्या। फिर बोलता है हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। मैं इसलिए प्रेम करता हूं कि प्रभु तूने मुझसे प्रेम किया है, तू मुझसे प्रेम किया है कि नहीं ये बता, किया है तो फिर मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। सॉल्व हो गया, मतलब सारे जहान में खोजा और वो जाके स्विच मेरे बगल में मेरे को मिला कि स्विच ऑन कर, आई हैव गिवन द पावर टू यू, तेरे पास मैं पावर तेरे को दिया हूं तो स्विच ऑन कर ले, खत्म हो गया, स्विच ऑफ मत कर, तू तेरे अंदर में प्रेम बना रहेगा, तू बराबर डिवोशन कर, तू मेरा काम कर। मतलब ये है कि जो भी है तेरे पास वो चीज जो है मेरा दिया हुआ है, मेरा है, तेरा कुछ भी तेरे पास नहीं है। तो मैं बोला यस लॉर्ड आई एक्सेप्ट दैट, मैं जानता हूं उसको स्वीकार करता हूं, मेरा कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे जो कुछ भी है सब तू है, और तू नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखे ये जैसे अपन देखे ना आज्ञाएं 10 आज्ञाएं दी गई हैं,
दस आज्ञाओं में सबसे आज्ञा मतलब उसमें आज्ञाओं में ये बोलता है कि परमेश्वर ने अपने सारे मन और सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना करके बोला है। किस में बोला है? मरकुस सचित 12 और शायद 30 में ये चीज दिया हुआ है। और वैसे ही उसमें देखिए वो आज्ञा 10 आज्ञाएं वहां दी है, वो 10 आज्ञाओं को तोड़कर खम करके जैसे अपन बोलते हैं परीक्षा में जाते हैं लड़के लोग मेरे पास आते हैं बोले कि सेठ साहूकार तो है कामास वाले पढ़ने वाले तो है नहीं तो परीक्षा देना पास होना है। आगे बोलते सर सर 10 तो क्वेश्चन दे दो, ले दे के 10 निकाल के दिए, सर इसको 5 कर दो ना, आप बोलते हो ना तो फंसता है, मेरे को चढ़ा रहे ना क्योंकि मिल जाए उनको। तो मैं ऐसी कहूँ प्रभु ये 10 आज्ञाएं बहुत बड़ी है, 10 आज्ञाओं का पालन करना मुश्किल है, कैसे करूं याद ही नहीं कर सकता तो जीवन में कैसे प्रयोग करूंगा। तो बोला है पर मार्क 12 और 30 में मैंने पढ़ा है सारे मन से सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना, चारों चीज बोला है, सारे प्राण से सारी बुद्धि से सारी शक्ति से प्रेम रखना और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब 10 तो क्वेश्चन मिल गया, उसके बाद 5 पे उतरते हैं ना, 2 तो मिल गया, अब बोले खुदा तो एक तो कर दे मेरे बाप, एक कर देना तो मैं याद रहेगा। तो फिर गलतियों के 5 और 14 में कहता है सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है। और जेम्स मतलब याकूब 2:8 में भी वो कहा है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तू पड़ोसी से अपने समान अपने प्रेम रखेगा तो तेरे अंदर में ये सारे दोष दूर हो जाएंगे और सारी आज्ञाएं तेरे अंदर में पालन हो जाएंगी और तू सारी आज्ञाओं का पालन करने वाला बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद प्रेम यदि तेरे में है तो तू परमेश्वर को अपने भय और भक्ति में रहेगा, उसकी उपासना करेगा, उसको छोड़ कोई दूसरा नाम नहीं लेगा और जो जो बोला वो सब काम करेगा। फिर उसके बाद जो बाकी अपने आपस के लिए भी जो आज्ञाएं दी है आखिरी में बोलता है लालच मत करना, वो भी नहीं होगा क्योंकि प्रेम है तो फिर लालच भी नहीं हो जाएगा। मैं बताऊं कि यदि अपन देखें कि सबसे बड़ी जो अपने पास जो सबसे बड़ी जो है पाप क्या है उसको अपन देखें, मैं इसको कहता हूं सबसे बड़ा पाप क्या है तो ये कहें कि मर्डर नहीं, चोरी करना स्टीलिंग नो, झूठ बोलना नहीं, ये सब पाप तो है बड़े, मैं बोला बड़े पाप की बात कर रहा हूं, बड़ा पाप ये नहीं है, बड़ा पाप ये सब कुछ नहीं है, ये सब जो करना पाप है लेकिन बड़ा पाप नहीं है। इनमें बड़ा खोजने की कोशिश करो तो क्या करना सबसे बड़ा क्या है, प्रेम नहीं करना सबसे बड़ा पाप है। प्रेम नहीं करना मर्डर करने से भी बड़ा पाप है, प्रेम नहीं करना चोरी करने से भी बड़ा पाप है, प्रेम नहीं करना व्यभिचार से भी ज्यादा बड़ा पाप है, प्रेम नहीं करना झूठ बोलने से भी बड़ा पाप है। सारी पापों से बढ़ के जो पाप है हमको दिखाई नहीं देता, हम समझते नहीं है, वो है प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करना जो है ये पाप है हमारे अंदर में, इसको हमको संभालना है। मैं प्रेम को जो है एलाबोरेट करके उसके ज्ञान और उसकी वो सारी चीज़ों का बात नहीं करता, प्रेम को मैं अपने अंदर से जैसे लेके व्यवहारिक रूप से मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे अगापे है, स्टोरगे है, फिलिया है, एरोज है, जो भी है ये 4 किस्म के प्रेम जो है बताते हैं, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में जो दिया है और 13वें अध्याय के ऊपर में मैंने चारों चीज लिख के रखा है, मैंने सभी की पढ़ा है, कभी बोला है, सब कुछ है, मैं वो सब चीजों पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ वो अगापे प्रेम को लेके चल रहा हूँ जो प्रेम के मेरे अंदर में है। मतलब ये देखिए कि जो प्रेम यदि तुमको ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा समझना है, ज्यादा उसको जानोगे तो ज्यादा प्रेम तुम्हारे अंदर में हो जाएगा। मतलब ये प्रेम जो है मेरे जैसे बेवकूफी की बातों में फंसकर शैतान के जाल में फंसकर अपने आप में डाउट लाकर, डाउट इज ऑल्सो ए बिगेस्ट सिन, बड़ा सिन है और हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना डाउट बड़ा बहुत बड़ा स्टंबल है, बहुत बड़ा अवरोध है, बहुत बड़ा खतरा है, इसको भी हमको पार करना है, ये सारी चीजों को प्राप्त करना है। तो जो क्या करना चाहिए, परमेश्वर को क्या बोलता है, यहोवा का यहोवा से मांग और वो तुझे बुद्धि क्या बुद्धि ज्ञान देगा, यदि बुद्धि कमी हो तो याकूब के उसमें लिखा हुआ है 2 अध्याय में कि तू बिना उलाहना किए तुझे देगा, और ये बुद्धि चाहिए। मतलब क्या हुआ, मेरे समझ के अनुसार, मेरे इक्वेशन के अनुसार, मेरी थ्योरी मेरी फिलॉसफी के अनुसार मैं यदि बताना चाहूं जो आप अप्लाई कर सकते हो कि लव प्लस विजडम इज इक्वल टू बाइबल लव, प्रेम और बुद्धि ये दोनों चीजों को मिलाकर जब हम प्रेम रखेंगे ना वो हमारा
परमेश्वर के प्रति प्रेम है, बाइबल के अनुसार प्रेम है, और ये स्पॉटलेस प्रेम है जिसमें कोई कमी नहीं है, ये प्रेम हमको रखना है। मतलब प्रेम को जान लेना है, प्रेम को जानना है, प्रेम को समझना है, प्रेम को चखना है, प्रेम के स्वाद को लेना है, प्रेम को जान लेना है। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। देखिए, प्रेम को जान लेना मतलब जैसे कि क्रिकेट अपन देखते हैं ना, क्रिकेट मैच को मैं जानता हूं क्या है क्या नहीं, ये सारी रूल रेगुलेशन सब कुछ मालूम है, क्रिकेट को जानता हूं। ये प्रेम को जानना, क्रिकेट को जानना है, और प्रेम को अपनाना है मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ और खेल के बता सकता हूँ, और ये जो मैं खेलता हूँ, ये खेलना जो है ये प्रैक्टिकल है, इसमें एक्शन है, ये ज्ञान के साथ में उसको लागू करता हूँ, उसके सारे टेक्निक्स को समझता हूँ, उसके अनुसार खेलता हूँ, और कैसे अच्छा खेलना चाहिए, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, और ये प्रेम है मेरे अंदर में। वो प्रेम को मुझे चख के रखना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि डोंट डिपेंड ऑन योर लव, डिपेंड अपॉन गॉड्स लव फॉर यू। डोंट डिपेंड अपॉन योर लव मतलब तुम अपने प्रेम जो समझ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड मत करो, तुम किसके ऊपर करो, उस प्रेम पे डिपेंड करो जो प्रभु का दिया हुआ है। क्योंकि बोला है, क्या बोला है, शुरू में ही बोला है कि हम इसलिए प्रेम नहीं करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हम इसलिए प्रेम नहीं करते कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम हम इसलिए करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, वो हमको दिखाया है, वो हमको समझाया है, उसने प्रैक्टिकलाइज करके प्रेम दिखाया है कि क्या प्रेम होता है। अपने इकलौते पुत्र को देकर उसने प्रेम को समझाया है। प्रेम को कैसे समझाया है, मतलब जिससे हम खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम और आनंद इसमें काफी मेल जोल है। ये प्रेम हमारे अंदर में रहेगा, एक आनंद, एक जॉय, एक उफनता हुआ आनंद और शांति हमारे अंदर में आ जाती है। और ये शांति कैसे है, इट्स नॉट फाइंडिंग ए राइट पर्सन बट इट्स बीइंग ए राइट पर्सन। ये हैप्पीनेस जो है कोई सही आदमी को या सही चीज को खोजने से नहीं होता है, इसमें सही अपने आप को बनाने से होता है। मैं सही बनूं तब मेरे अंदर में आनंद आएगा, मैं प्रेम करूं तब मेरे उस अंदर में प्रेम का स्वाद आएगा। ये प्रेम जो है, ये प्रेम हमको ले जाता है, और कहां ले जाता है, स्वर्ग राज में ले जाता है, अनंत जीवन में ले जाता है। ये प्रेम हमको संभालता है, कैसे संभालता है, हर पाप से संभालता है। हर प्रेम हमारे अंदर में है, हम चोरी नहीं करेंगे, प्रेम हमारे अंदर में किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, प्रेम हमारे अंदर में है हम किसी को गाली नहीं दे सकते, प्रेम हमारे अंदर में है जुमान हमारा साफ है, प्रेम हमारे अंदर में है परमेश्वर की भक्ति हमारे अंदर में, प्रेम ये प्रेम हमारे अंदर में आता है ना, तो ये सारी चीजें अपने आप दूर 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 होते चले जाती है। लाख दुखों की एक दवा जिसको बोलते हैं ना, वही चीज है। यूहन्ना 3:16 जिसको जगत मतलब जाहिर है, जगत जानने, पूरा जगत जानता है, होल वर्ल्ड नोज द जॉन 3:16 क्या है। बाइबल को लेके ऐसा निचोड़ोगे, स्क्वीज करोगे, तो जो पहला ड्रॉप खून का गिरेगा वो फट से बोलेगा जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और उसके बाद बोलता है ताकि एक एक बाइबल का ये पन्ना ऐसी मुड़ा हुआ, वैसे कोई फेंक दिया कोई यूज करके, तो एक अनपढ़ लेडी आ रही थी उधर से, वो देखी कौन सा कागज, अच्छा कोई छापा छुपा दिखता है करके उठाई, उठा के ऐसा खोली तो उसमें जॉन 3:16 वाला पन्ना था, 3:16 में लाल लकीर से अंडरलाइन किया हुआ था। हर एक बाइबल में प्रायः मैं जानता हूँ कि अपन लोग अंडरलाइन करके रखते हैं ना जॉन 3:16 को। खैर, तो वो देखी और उसकी थोड़ी क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ गई कि आखिर ये है क्या जिसमें लाल लकीर क्यों खींचा है। उधर से एक आदमी आ रहा था कि भैया आप पढ़ सकते हो, दुइनो तो टू रीड, बोले हाँ ये देखते इसको पढ़ के बता दे बेटा ये क्या है। उसने पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, फिर जो आया ना, ताकि जो कोई, तो बोले रुक, फिर से पढ़, ताकि जो कोई, मतलब मैं भी, हाँ तू भी, मैं भी, हम भी, जो कोई, whosoever, जो कोई मतलब क्या हुआ कि जो भी उसके पढ़ेगा, जो भी उससे मानेगा, जो भी उससे प्रेम करेगा, वो स्वर्ग राज में जाएगा, नाश नहीं होगा, कभी भी नाश नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान भी उसको दे दी। मतलब ये
साफ कर देता है कि प्रेम में भय नहीं होता, हम निर्डर हो जाते हैं जब हमारे अंदर प्रेम है। जब अपने माँ बाप से हमारा प्रेम है तो हम उनके हाथ पकड़ के कहीं भी चले जाते हैं, हम को बच्चा को कभी नहीं सोचता, उसमें कोई डर नहीं होता। क्योंकि जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 10वें वचन में देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मतलब अपना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा है यीशु मसीह कि जैसे मैं मानते आया हूँ आज्ञाओं को, वैसे तुम ये आज्ञाओं को मानोगे तो तुम भी मेरे जैसे उसके पुत्र हो जाओगे, पुत्र कहलाने का अधिकार तुमको मिल जाएगा। ये चीज है, मतलब ये हुआ कि जो कोई उसके अनुसार चलेगा और उसमें निडर रहेगा। वैसी मैं आपको एशिया का उसका 41वां अध्याय और उसका 10वां वचन भी पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए उसमें, मत डर मैं तेरे संग रहूँगा, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तुझे दृढ़ करूँगा, दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। क्या है और क्या बोल सकता है कोई भी, बताओ ना, कितना करेगा। 5:40 यूहन्ना क्या बोलता है, फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, बोले इतना कर दिया यार, इतना बुला दिया भाई, तेरे को सब कुछ समझा दिया हूँ, दिल खोल के रख दिया हूँ, दरवाजा खोल के रख दिया हूँ, बुला रहा हूँ, खाना तैयार है, मेज तैयार है, सब कुछ है, तू आ खाली आ खाली आ के बैठ और खा। उसमें भी नहीं समझते, क्यों नहीं समझते हम, क्योंकि हमको उसके प्रति लगाव और प्रेम नहीं है। जब मैं उससे प्रेम करूंगा तो ये सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। मतलब मैं उससे प्रेम करूं, कैसे प्रेम करूं, अरे भैया बोलते हैं ना यार प्रेम में क्या नहीं होता है, डायलॉग सुनते हैं ना अपन, आप लोग को भी मालूम होगा, सुनोगे क्या बोले, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के, है ना डायलॉग, चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया भर का करेगा, बोले आएगा ना शाम को तो बोले कि हाँ पानी नहीं गिरेगा तो आऊंगा। चांद सितारे तोड़ने वाला पानी से डर गया, बेकार की बात नहीं करो, झूठी बात नहीं करो, प्रेम जो है कूपन दे निकलने दो, यहां से निकलेगा, एक फव्वारा सा निकलेगा, अपने अंदर से निकलेगा। क्योंकि जब हम प्रेम में रहते हैं ना तो मतलब वी कैन डू एनीथिंग and we can sacrifice anything, we can do anything, we can give anything, give, मतलब प्रेम खाली दे 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 कहता ले वाला नहीं है। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उसने कभी कुछ नहीं लिया, सब कुछ दिया 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 दिया, खाली दिया है। और ये प्रेम कैसे, मतलब मेरे पास यदि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए, मेरे को याद आता है विलियम बूथ जो सेल्वेशन आर्मी का फाउंडर है और चलाया है, विलियम बूथ और शायद उनकी वाइफ का नाम कैथरीन या जो भी मतलब है, वो दोनों वे चर्च में सर्विस करते थे। तब चर्च पूरी चर्च भरी हुई थी और पूरे चर्च भरे हुए चर्च में विलियम बूथ को सामने बुलाया गया और पूरे कमेटी सामने बैठी है और लोगों ने बोला कि नाउ एक डिसीजन तुमको लेना पड़ेगा कि तुम जाके उन गरीबों को कोड़ियों को और उनसे जहाँ सेवा करते हो उसमें करोगे कि चर्च की सेवा करोगे, क्योंकि तुम उधर करते हो इधर का काम नेग्लेक्ट होता है, दोनों में से कोई एक चीज सुन सुन लो। 7 या 8 बच्चे भी थे इसके, सोचा ये नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरा कैसा होगा, आमदनी क्या होगी, सारी चीजें एक साथ दिमाग में घूमती है ना। लेकिन वो सेवा मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर का है, वो दिया हुआ है, वो मेरी कॉलिंग है और ये यहाँ पर मेरी जो है ये मजबूरी है, कैसे करूँ क्या करूँ, कर नहीं पा रहा था। तो धीरे पीछे से आवाज खट 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 खट, सैंडल की आवाज आ रही है वुडन फ्लोर पे, सीढ़ियों से उतरी गए वापस धीरे से, पास में कौन पलट के देखा तो इसकी वाइफ चले आ रही है और आके क्या बोलती, बोलूं विलियम लीव द चर्च एंड फॉलो योर जीसस, चर्च को छोड़ो यीशु मसीह के पीछे चलो। कैसे डिसीजन क्यों हुआ, क्योंकि अंदर में प्रेम था, उसके अंदर में प्रेम था, ये प्रेम उनके अंदर में है इसलिए वो डिसीजन ले पाए, इसलिए वो काम कर सके, इसलिए वो था। मतलब क्या हुआ कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, क्यों बोले तो
हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप निकलता है। और उसमें हमारे जो करते हैं उसके काम ना, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आई हैव डन समथिंग। कभी कभी तो ऐसा लगता है आई हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, मैंने संसार को जीत लिया, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना 16:33 में के मैंने संसार को जीत लिया है, संसार को जीत लिया। ऐसा लगता है मुझसे बड़ा शक्तिशाली, मुझसे बड़ा शेर बब्बर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह का बंदा हूँ, उसकी आज्ञा का पालन किया हूँ। एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक आनंद मिलता है, वही प्रेम है, वही प्रेम है। और ये प्रेम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अंदर से प्रेम निकला, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मुझको सिखाया है और और उसने उदाहरण दे के बताया है, वो इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया है। मैं एक आपको और एक चीज बताता हूँ, देखिए कौन सा तो बाइबल कॉलेज है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके बड़े थियोलॉजियन जो बड़े प्रोफेसर साहब थे, वो आखिरी समय जो है उन्होंने बोला कि तुम लोग मेरे पास रहना, मैं जब आई एम अबाउट टू लीव द वर्ल्ड, जब मेरे आखिरी सांस चलती रहेगी तुम मेरे पास रहना, मैं तुमको कुछ बताऊंगा। पास में थे, सर सर सर, तो कुछ नहीं बोल पा रहा, कुछ नहीं बोल पा रहा। फिर बोलते सर, फिर क्या बोलता मालूम, जीसस लव्स मी, दिस आई नो, फॉर द बाइबल टेल्स मी सो, यस जीसस लव्स मी, यस जीसस लव्स मी। ये हिंदी में भी संडे स्कूल के बच्चे गाते हैं, ये कोरस करके खत्म हो गया। क्या बताया उसने, जीसस लव्स मी, प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, नथिंग एल्स, इट इज ओनली लव, खाली प्रेम प्रेम प्रेम। एक नास्तिक डीपोला करके, एक तो फ्रांस का मैं ये पढ़ा था, उसका टेस्टिमनी बताऊं, उसने बोला नास्तिक की मरते समय मेरे पास में आओ, मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर में क्या होता है। उसके भी लास्ट परिस्थिति आई, स्टूडेंट्स उसके भी पास में गए, सर सर कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, धीरे से आंख खोला और बोले, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग, कुछ है। हो गया ना पूरा जिंदगी का सवाल, पूरा जिंदगी का हिसाब हो गया। क्या बोला, देयर इज समथिंग, कुछ है वहां, कुछ है। और क्या है, वही है जिसके लिए हम तरसते हैं, वी आर लॉन्गिंग फॉर दैट। वही स्वर्ग राज्य है, वही अनंत जीवन है, वही परमेश्वर का सिंहासन है, वही उसकी शांति है, वही उसका अमन है, वही उसका प्रेम है, वही उसका राज्य है, वही है। और ये देखिए, हम जब प्रेम में रहते हैं ना, हमारे अंदर से एक प्रेम की फव्वारा उफनता है, फव्वारा निकलता है, प्रेम की वाणी निकलती है। कितनी सुंदर वाणी निकलती है, कितना सुंदर वचन रहता है हमारे मुंह के अंदर में, कितना सुंदर व्यवहार रहता है। क्योंकि याकूब में शायद लिखा है ना, एक ही सोते से खारा और मीठा जल दोनों निकल नहीं सकता है। और मैं इसके बारे में आपको एक बताता हूं, देखिए शायद व्यवस्था विवरण और उसका 11वां अध्याय 29:27 वगैरह कुछ शायद ऐसा कुछ होगा, आप पढ़ के देखना बाद में। मूसा के बारे में दिया है, वो गिरजीमी पर्वत से आशीष देता है, और इस पर्वत से श्राप नहीं देता है, गिरजीमी पर्वत से आशीष देता है, और उसके बाद एलाब पर्वत से श्राप देता है, दूसरे पर्वत पे जाके श्राप देता है। पढ़ के देखना ना, मैं पढ़ रहा था उसको, दोनों चीजों को डिफरेंट देखे, एक बार दो वही सब कुछ बोल सकता था लेकिन नहीं बोलता है, मतलब एक ही सोते से दो बात नहीं हो सकती है। वो जो उसका प्रेम है, एक ही सोते से जल और मतलब जल खारा मीठा जल दोनों नहीं निकल सकता है। शायद याकूब 3:11 वगैरह कुछ में है, आप बाद में पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। प्रभु में है तो केवल प्रेम है, प्रेम 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 प्रेम, और प्रेम लीड्स टू सैक्रिफाइस, और ये सैक्रिफाइस 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 इट लीड्स टू जीसस, स्वर्ग राज को ले जाता है। कैसे, एक और मैं आपको अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए वर्ल्ड वार के टाइम में बोलते हैं कि कैदी लोग को भी काम कराते थे, उनको फावड़ा और कैदी जो फावड़ा वगैरह देते थे, देके फावड़ा देके खोदने के लिए भेजते थे, और शाम को जब आए सब अपना अपना फावड़ा वहाँ जमा करो और लाइन में खड़ा हो, और फिर उन्हें डिस्चार्ज होगा, फिर तुम अपने अपने चैम्बर्स में जा सकते हो।
एक दिन क्या हुआ, मैंने पता नहीं मैं कहाँ से पढ़ा, मेरे को याद आ रहा है, एक दिन क्या हुआ कि 20 कैदी जो है आए थे और उनका हिसाब जो दरबान लेने वाला देख रहा था और देखा कि 19 फावड़े ही वहाँ है, 20 यहाँ पर है, तो बोले कौन है आदमी जो कि नहीं लाया, ये सोचे कुछ गड़बड़ किया है, और बोले जल्दी से बताओ, यदि नहीं बताओगे तो हम 5 मिनट देता हूँ, नहीं बताओगे 5 को मैं मार दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा, फिर बाद में फिर बताऊंगा क्या होता है। सब चुपचाप। एक 19 साल का लड़का, बोलते हैं एज भी याद है मुझको, 19 साल का लड़का उसने लिखा है, सामने स्टेप फॉरवर्ड किया, मुंडी नीचे था, मतलब मैं नहीं लाया, उठा माथे मारा, बंदूक खत्म, गिर गया। उसके बाद जब ये सामान को फिर वापस स्टोर में डालने के लिए गए, गलती गिने थे, 20 फावड़ा ही वहां थे। ये लड़का क्या सोचा, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो 5 मरेंगे, मेरे 1-4 और जाएंगे, तो क्यों ना मैं अकेला करके 5 को बचा सकता हूं। ये है सैक्रिफाइस, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस समर्पण, अपने आप को सौंप देना। प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार, सलीबी मृत्यु, सलीब पर जान देना, ये सारी चीजें प्रेम ही तो है, और क्या है, ये प्रेम हमको सिखाता है, जब प्रभु में है तो केवल प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, और प्रेम जो है सैक्रिफाइस है, समर्पण है, समर्पण है, और ये समर्पण जो है स्वर्ग राज की टिकट है, एंट्री है। क्योंकि देखिए, दुनिया हमें देखो धोखा दे सकता है, दुनिया हमें छोड़ सकता है, लेकिन कभी भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमें कोई धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता है। वो प्रेम है, और प्रेम है, प्रेम करता रहेगा, और वो जो पापियों से भी प्रेम करता है, और जो उसको नहीं प्रेम करते उससे भी प्रेम करता है, ताकि जो कोई, मतलब जो कोई मौका देता, हर कोई जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु वह बराबर क्या होगा, परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करेगा, आशीष को प्राप्त करेगा। मैं एक चीज और पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, यहूदा की पत्री उसका 21 वचन में देखिए, एक ही अध्याय है, उसमें कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। यही तो मैं कर रहा हूँ, यही तो हम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। कभी कभी दुआ करता हूँ, प्रभु तू आता है तो तेरे साथ जाने की हिम्मत रख दे दे मेरे को, और नहीं तो मैं आता हूँ तेरे पास तो तू मेरे को अपने इधर एंट्री मेरे को दे दे, ऐसा जीवन मुझको दे, और आखिरी सांस तक मैं तुझ में रहूँ, ये भी मुझसे सिद्ध हुआ है। याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें, जैसे उदित ने शुरू में बताया ना, धोखे खूब खाया, प्रभु यीशु मसीह में कोई धोखा नहीं होगा, यीशु मसीह ही है जो धोखा नहीं देता है, चाहे मैं कोई कहीं से भी धोखा हो सकता है, कहीं से भी मतलब कोई चोट पहुंचा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमारे डूबती नैया को पार लगा देता है। जब हमारी नैया जो, अभी देखना एक गाना जो गाएगी प्रभा आगे उदित का ही, ये जो दूसरा अंतरा है उसमें कहता है कि सारी दुनिया हमें धोखा दे सकता है, ये नाव ले जाके हमारी डुबा सकता है, हमें गलत, मतलब गलत रास्ते पर ले जा सकता है, गलत विचार में ले जा सकता है, पाप में डुबा सकता है, ये समुन्द्र में डुबा देगा, लेकिन जो हमारी डूबी नैया को बचाने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वही है, वही है, वही है मेरा उद्धार करता प्रेमी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्रेम रखना आपस में भी, प्रभु से भी, और कैसे प्रेम रखना, बुद्धि के साथ प्रेम रखना, योग्यता के साथ प्रेम रखना, बिना कोई डाउट के प्रेम रखना, और प्रेम सब कुछ है, प्रेम ही प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जो गलती कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा है कि ये कुछ नहीं जानते, अपने बच्चों को बोलते हैं ना, बेचारा नहीं जानता, नहीं समझ, ना समझ है, वैसा यीशु मसीह मेरे लिए तुम्हारे लिए करता है। उसके प्रेम में बने रहो, प्रेम में टिके रहो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम इस गीत को सुनेंगे और उसके बाद
दुआ करेंगे और उदित के ही आशीष से हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे प्यारे जीवते खुदावंद, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं कि सुंदर अवसर तूने दिया। हमने तेरे प्रेम के बारे में सीखने की कोशिश की है, लेकिन खुदा, जब तक तेरी आत्मा हम पर नहीं उतरेगी, हम उस प्रेम को नहीं समझ सकते हैं। उस प्रेम में बने रहने की शक्ति और सामर्थ्य है, क्योंकि खुदा तू प्रेम है, तू प्रेम है, और वही प्रेम हमारे अंदर में दे, हमारे अंदर में वही समर्पण दे, हमारे अंदर में वही लालसा दे, हमारे अंदर में वही इच्छा दे कि हम तुझ में बंधे रहे। जितनों ने तेरे वचन को सुना, ग्रहण करने की शक्ति दे। अभी भी किसी में कोई शंका है, उसे दूर कर, और शंकाओं का निवारण करने वाले परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देते हैं। सारे हमारे अंदर के जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर, सो दैट वी मे नॉट हैव एनी डाउट इन अस। हमारे अंदर में कोई शक नाम की चीज ना रहे, केवल प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम ही बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति सारे कार्यक्रम में सुनने वालों के साथ अब से लेके हमेशा तक बनी रहे। आमीन।